हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज। तो आज हम फोटोशॉप में कॉफ़ी मग को मॉकअप अप्लाई करके देखेंगे। तो आज हम जो मॉकअप करने वाले हैं इस वीडियो में, वो सिर्फ टेक्स्ट और कलर पे डिपेंड करेगा, और अगर हमें फ़ोटोज़ वगैरह करने हैं तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इन कप्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये छोड़ के, ये एरिया और ये एरिया छोड़ के। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको पता है कैसे करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाके ये देखिए लोड सिलेक्शन, और यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन किया है सिलेक्शन, और ये इस सिलेक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, क्योंकि वन बाय वन हमें करना है। इसके बाद सिंपली मैं प्रेस करूँगा, इसकी डुप्लीकेट लेनी है हमें जो सिलेक्शन हमने किया है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हो या सिंपली कंट्रोल जे, तो इसका एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें एक सॉलिड लेयर लेना है, कलर कोई भी ले सकते हो, तो मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको ऑल्ट प्रेस करके, देखिए ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिपिंग मास्क करना है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी और एक कॉपी लेनी है कंट्रोल जे, और इसके ऊपर जाके इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो देखिए ऑलरेडी ये रियलिस्टिक लगेगा। लेकिन इससे पहले हमें और एक काम करना है, थोड़ा और हमें इसको रियलिस्टिक क्रिएट करना है, बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक शेप लूँगा, ये देखिए शेप लिया मैंने, कलर अभी इसका मैटर नहीं करेगा कुछ भी, और इस पर इसकी ओपेसिटी हल्की सी मैं कम कर दूँगा। इसको सबसे पहले तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना पड़ेगा अपने, ये देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए, और सिंपली राइट क्लिक करके हमें इसको वार्प करना है, देखिए वार्प, और जो ये रोटेशन है उस पर एडजस्ट करना है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दीजिए, यह हमें एडजस्ट करना ही है सिंपली। और इसमें ज़्यादा कर्व भी नहीं है, तो ये आसान है एक्चुअली करना, जिस कॉपी मग में ज़्यादा कर्व होगा वो करना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, और इसका कलर तो हमें बाद में डिलीट करना है, इसलिए इसका कलर इतना मैटर नहीं करेगा। तो ये हमने क्या किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया, अभी इसमें हमें टेक्स्ट लिखना है, तो इसके अंदर जाके हम टेक्स्ट लिखेंगे, ये देखिए डबल क्लिक कीजिए, और इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा सा बाहर भी जाए, हल्का सा थोड़ा इस हमारे कैनवास के बाहर जा रहा है, ताकि थोड़ा और रियलिस्टिक इफेक्ट लगे। एंटर, और ये देखिए बैकग्राउंड को डिलीट कीजिएगा, कंट्रोल एस सेव करके इसको क्लोज कर दीजिएगा, तो ये बाहर जाने की वजह से थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगेगा, देखिए देख सकते हो आप। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक लेयर क्रिएट किया हमने, और एक लेयर क्रिएट कीजिएगा कंट्रोल जे, और उसको भी मल्टीप्लाई सेम, और इसकी ओपेसिटी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। इसको भी थोड़ा सा, ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसके और तीन लेयर डुप्लीकेट करने, देखिए कंट्रोल जे, इसको सबसे ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो इन सबको क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा, इसको सबसे ऊपर लेके जाता हूँ, और इसको वापस यहाँ पे देखिए कंट्रोल जे, तीन लेयर हमने क्रिएट किए।
ये ऑलरेडी एक्चुअली रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन इसको हमें और रियलिस्टिक क्रिएट करना है थोड़ा सा। इसके बाद जो फर्स्ट हमने कॉपी ली है, इसका मोड हम चेंज करके, ब्लेंडिंग मोड जो है इसका चेंज करके हम करेंगे लीनियर बर्न, और इसी को हम एक क्रिएट करेंगे एडजस्टमेंट लेयर लेवल्स का। और ये देखिए यहाँ पे ये प्रेस कर दीजिएगा तो इससे ये क्लिप हो जाएगा, ये देखिए क्लिप हो गया। और फिर हमें एडजस्ट करनी है जो ब्राइटनेस लेवल है, इसको हमें क्यों एडजस्ट करना है, क्योंकि ये रियलिस्टिक लुक देगा हमें। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमें रखना है हल्का सा, जो शेडो वगैरह है वो हल्का सा हमें रखना है। तो कुछ इस तरह से ये, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि पिक्सलेट हो रहा है। देखिए हल्का सा, ये देखिए हल्का सा मैंने रख दिया इसको, अगर मैं, ये देख सकते हो आप हल्का सा मैंने रखा है, और चाहे तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने एडजस्ट किया। ओके, अभी जो सेकंड है, जो डुप्लीकेट लेयर मैंने क्रिएट किया था, उसको हम करेंगे लीनियर डॉज ऐड, और इसको भी हम एक एडजस्टमेंट लेयर देंगे, क्रिएट करेंगे लेवल्स, और इसको भी, ये देखिए क्लिपिंग मास्क करेंगे, तो इसको क्लिपिंग मास्क, और ये एडजस्ट करना पड़ेगा पूरा हमें, ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी आप सोच रहे होगे कि इतना सारा क्यों एडजस्टमेंट करना है, तो ये देखिए ये हल्का सा यहाँ पे, ये जो सटल चेंजेस है इसकी वजह से ही ये रियलिस्टिक लुक आएगा। चाहिए तो आप ये भी चेंज कर सकते हो, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हो, ये इतना मुझे चाहिए। तो ये देखिए ऑफ करके मैं देखता हूँ, ये चाहिए इसको थोड़ा सा और मैं, ये देखिए ये रियलिस्टिक इफेक्ट है थोड़ा सा। लास्ट जो है उसको सिलेक्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे स्क्रीन, और इसको भी हम एडजस्टमेंट लेयर लेवल्स देंगे, और इसको भी क्लिपिंग मास्क करेंगे, ये ज़रूरी है क्लिपिंग मास्क करना, और इसको भी एडजस्ट करेंगे। देखिए ये देखिए, ये आप आपके हिसाब से रख सकते हो, जितना आपको रियलिस्टिक या अच्छा लग रहा है आपको, जो सेटिंग जो आपको अच्छी लग रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा रियलिस्टिक है, चाहिए तो आप ये थोड़ा सा कम कर सकते हो, ये देखिए, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो इसको मैंने किया, और मेरे ख्याल से ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। अभी सेकंड को हम सिलेक्ट करते हैं, और चाहिए तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको ग्रुप करके रखिएगा ताकि आप कंपेयर करके देख सको कि रियल में इसका कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं। इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो ग्रुप बन जाएगा। तो ये देखिए ये बिफोर और आफ्टर काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, ये तीन लेयर्स अप्लाई करने के बाद। तो ये रिकमेंड मैं करता हूँ कि रखिए, क्योंकि ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, और क्योंकि हमने यहाँ पे ये सॉलिड कलर का एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट किया, तो इससे हम इजीली डबल क्लिक करके इसको, देखिए कलर चेंज कर सकते हैं इजीली कुछ इस तरह से। तो ये एक बेनिफिट है सॉलिड लेयर क्रिएट करने का। तो मैं इसको रेड ही रख देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो, या मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। सेकंड जो इसको करते हैं रेड, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है ये कलर, ठीक है जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो। उसके बाद अभी देखिए सीधा मैं जाता हूँ बैकग्राउंड पे, और यहाँ पे मैं ऑल्ट क्लिक करके, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ, तो सारे बाकी सारे लेयर्स हाइड हो जाएंगे और ये सिर्फ दिखेगा हमें। वापस मैं सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन, और यहाँ पे देखिए अभी मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया मैंने, और मुझे यहाँ पे हल्का सा सिलेक्शन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट मुझे करना है, तो ऐड टू सिलेक्शन मैं करता हूँ, क्योंकि ये देख सकते हो आप कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे ये कंसिस्टेंट नहीं है, रफ लग रहा है सिलेक्शन। तो इसको जितना, क्योंकि सिलेक्शन जितना आप अच्छा करोगे आउटपुट उतना आपका अच्छा आएगा, इसीलिए ये मैं इतना केयरफुली कर रहा हूँ, नहीं तो इस छोटी सी चीज़ की वजह से वो ख़राब लगेगा। ये देखिए तो ये बेटर हो गया पहले से मेरे ख्याल से। सेम चीज़ हमें करनी पड़ेगी कंट्रोल जे,
इसका हमें डुप्लीकेट हमने किया, देखिए ऐसे डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किया, और इसको भी एक सॉलिड लेयर देना है, सेम चीज़ रिपीट करनी है हमें। ओके, और इसको ये देखिए ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे, और इसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये देखिए लेयर इसका कंट्रोल जे, और इसको इसके ऊपर लेके जाना है और ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऑलरेडी देखिए रियलिस्टिक लग रहा है। अभी हमें वापस एक इसका ही कंट्रोल जे करके और हल्का सा इसका एडजस्टमेंट करना है, ऑलरेडी लग रहा है। इसके बाद हमें एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो हमने पहले भी किया था। इसके लिए इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो रेक्टेंगल एक ड्रॉ कीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करके ये, और इसकी ओपेसिटी में कम कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। सबसे पहले तो इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कभी भी कन्वर्ट कीजिएगा ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। उसके बाद ओपेसिटी कम कर देता हूँ, और देखिए कंट्रोल प्रेस करके किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाता है। ये आप एडिट में से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से फास्ट होगा। देखिए और जो हमें ये यहाँ पे रखना है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा जो कर्व है वो कर्व भी हमें यहाँ पे लाना है हमारे जो टेक्स्ट है उसके अंदर, क्योंकि और रियलिस्टिक लगेगा। आपको लगेगा कि इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना रियलिस्टिक हम बना सकते हैं उतना हम ट्राई करेंगे। देखिए इसको हमने किया, अभी वापस हमें जाना है इसके अंदर, और ये मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं जाता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ पे यह मैं लिख देता हूँ सेम चीज़। एस्प्रेसो, इसको रोटेट मैं करता हूँ, देखिए शिफ्ट प्रेस करके कीजिएगा तो 90 डिग्री में हो जाएगा, और इसको अभी हमें बड़ा करना है और बाहर हमें जानबूझ के लेके जाना है। ये देखिए ताकि और रियलिस्टिक लगे, और बैकग्राउंड को डिलीट करना है। कंट्रोल एस सेव कीजिएगा, ओपेसिटी 100, और ये इसके ऊपर चाहिए एक्चुअली, गलती से मैंने ये नीचे ले लिया। ये देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बाहर लिया, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ गया। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड में लेता हूँ तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा ये। कुछ इस तरह से ही दिखेगा, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। वापस वही चीज़, कंट्रोल जे, इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, ये वापस कंट्रोल जे कंट्रोल जे, दोनों को बंद करके यहाँ पे वापस सेम चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, लीनियर बर्न करना पड़ेगा, और ये वापस इसको क्लिपिंग मास्क करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे ख्याल से ये शेड अच्छा है। ओके, ये ऑन करके इसको लीनियर डॉज, इसको भी लेवल्स, क्लिपिंग मास्क, अभी यहाँ पे अगर ये देखिए थोड़ा अजीब लग रहा है तो ये कम कर सकते हो आप, पूरा कम कर दीजिएगा, लेकिन हल्का सा इफ़ेक्ट भी हमें चाहिए। ये आप देख सकते हो ये वाइट इफेक्ट हल्का सा हमें चाहिए, उतना ही हमें वो रियलिस्टिक लगेगा। ये देखिए हल्का सा इफेक्ट, वही हमें चाहिए उतना। उसके बाद ये लास्ट वन जिसको हम वापस स्क्रीन करेंगे, और इसको वापस हम लेंगे
लेवल्स, इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे। सेम चीज़ इसको कम करेंगे। ये देखिए हल्का सा, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा है। इस आप थोड़ा कम भी कर सकते हो जिस आपके हिसाब से ओपेसिटी वगैरह, अगर आपको लगा तो इसमें आप ओपेसिटी वगैरह कम करके देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है, तो ये सारे लेयर्स मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा मॉकअप यहाँ पे बन गया है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि लेंदी वीडियो है, लेकिन प्रैक्टिस करके देखिए। तो मैंने धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप एकदम ध्यान से देखिए वीडियो को और ये करके देखिएगा। टेक्स्ट हमने यहाँ पे किया, टेक्स्ट और कलर। और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ से हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने सॉलिड कलर यहाँ पे लिया है कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखिएगा और ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। दिखने में बहुत सारे लेयर्स कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।